हाय एवरीवन, आज बनाएंगे बिल्कुल अलग तरह का मिर्ची वड़ा जिसमें मैं मैदे का यूज़ बिल्कुल नहीं करूँगी। आप इस क्रिस्पी मिर्ची वड़ा की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसको बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 कप गेहूं का आटा। इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच नमक, 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे अजवाइन, 2-3 चम्मच इसमें तेल डालेंगे। आप घी का यूज़ भी कर सकते हैं। तेल डालने के बाद अच्छे तरह इसको मिक्स करेंगे और तेल को आटे पर कोट करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक डो बनाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइट आटा भी नहीं गूंदेंगे, सेमी टाइट आटा गूंदेंगे इसका। जब आटा गूंद लेंगे इसको 15 से 20 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। 10-15 मिनट बाद फिर से हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको फिर से गूंद लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरी वीडियोस फेसबुक पर देखते हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए। अब मैं उबले हुए आलू ले रही हूँ जिसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्च। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च डालेंगे। अब इसमें मैं कुछ सूखा धनिया डाल रही हूँ, थोड़ी सी अजवाइन डाल रही हूँ। अब इसमें मैंने 1/2 चम्मच अनारदाना डाला है और 1/2 चम्मच ही अमचूर डाल रही हूँ। थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ। आप कोई और मसाला डालना चाहते हैं तो वो भी डाल लें। इसमें डालेंगे कसूरी मेथी और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं ये मोटी वाली हरी मिर्च ले रही हूँ, इसको बीच में से कट करके इसका सारे बीज निकाल दूंगी। ये मिर्च बिल्कुल भी कड़वी नहीं होती, इसका मिर्ची वड़ा बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये बिल्कुल अलग तरह की मिर्ची वड़ा की रेसिपी कैसी लगी। अब आलू के मिक्सचर को मिर्ची में अच्छे से दबा दबा कर फिल कर लेंगे। मैंने सारी मिर्चियों में आलू भर लिए हैं। अब मैं एक पेड़ा ले रही हूँ और इसकी बड़ी सी चपाती बनाऊँगी। थोड़ी पतली ही चपाती बनाएंगे, बहुत ज़्यादा पतली भी ना बनाएं कि हमें उठाने में मुश्किल हो। अब इसकी स्ट्राइप्स कट करेंगे। सारी स्ट्राइप्स कट करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी सारी स्ट्राइप्स पर लगा देंगे ताकि मिर्ची के ऊपर चिपकाने में आसानी हो। बहुत ज़्यादा पानी भी ना डालें, नहीं तो ये उठाई नहीं जाएगी। अब इन स्ट्राइप्स को मिर्ची के ऊपर चिपकाएंगे, इसका एक स्प्रिंग की शेप देंगे। ये बिल्कुल अलग तरह की रेसिपी है, शायद ही आपने कभी बनाई हो। इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपके घर में ज़रूर पसंद आएगी और ये देखने में भी बिल्कुल अलग सी लगती है। आपके घर में किसी गेस्ट ने आना है तो आप इस तरह मिर्ची पहले ही बना कर रख दें, और जब वो आए और आपने खानी हो तो इसको डीप फ्राई कर लें। ये देखिए कितनी बढ़िया मिर्ची वड़ा बनकर रेडी हुआ है। मैंने साथ ही तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है, और अच्छी तरह तेल गरम करने के बाद इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर कर देंगे और मिर्ची को फ्राई करेंगे। अगर हम हाई फ्लेम पर करेंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, लो टू मीडियम फ्लेम पर ये क्रिस्पी बनेगी। लीजिए, हमारा बिल्कुल अलग तरह का मिर्ची वड़ा बनकर रेडी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस रेसिपी को लाइक शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।